सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र से संबंधित एक मामले में कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव न्यायगी को जुडिशियल रिमांड के लिए मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 28 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया। इधर शासन के द्वारा SC/ST कोर्ट में चल रहे मामले में एक आवेदन विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंप्यूटर बाबा से पूछताछ की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। कल एरोड्रम के मामले में उनका पुलिस रिमांड लिया गया था हमारे द्वारा न्यायालय से, जो आज तक का पुलिस रिमांड था। पुलिस रिमांड के बाद जिस पर्पज के लिए पुलिस रिमांड लिया था, जो जब्ती की कार्रवाई करना थी, वो पूरी पूर्ण होने से आज उनका जुडिशियल रिमांड के लिए उनको न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय के द्वारा 28/11/2020 तक के लिए जेल वार्ड बनाकर उनको जेल भेज दिया गया है। इंदौर शहर में फिर शुरू हुआ है गुंडा अभियान। गुंडों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए तोड़े जा रहे हैं उनके अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से यह खबर मिल रही है। यहां फिर एक बार गुंडा अभियान के तहत अवैध निर्माणों को पुलिस विभाग प्रशासन सहित नगर निगम का डंडा चलना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में दूसरे दिन भी रानीपुरा स्थित साजिद चंदन वाला के यहां टीम पहुंच गई, कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज की जो कार्रवाई है वो ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध है जो कि लगातार लोगों को परेशान करते आए हैं, उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक प्रकरण है और साथ ही साथ उनके जो अवैध निर्माण हैं, अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार हम लोगों को मिली हैं, तो ऐसी सूची में से चिन्हित लोगों के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू हुई है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी साथ में, संयुक्त टीम के साथ में कार्रवाई की जा रही है। आज की जो कार्रवाई है वो दो मुख्य जगहों पर की गई है। एक सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में साजी चंदन वाला जो हिस्ट्री शीटर है उनके विरुद्ध, उनके अवैध मकान को धराशायी किया गया है। वहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स थे जिनको तोड़ा गया है। साथ ही साथ चंदननगर थाना क्षेत्र के जितेंद्र उर्फ नानू जो हिस्ट्री शीटर है उनके घर को तोड़ा गया है। तो इस तरीके की कार्रवाई से ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो लोग लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उसके अलावा इधर उधर इलीगल तरीके से ज़मीनों पर कब्जे करना, इलीगल तरीके से घरों का निर्माण करना, इनके खिलाफ लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की जो संयुक्त टीम है वो लगातार कार्रवाई करती रहेगी। महामारी के चलते कई व्यवसाय बंद होने के कगार पर हैं, वहीं लोग बेरोजगारी की दहलीज पर जा फंसे हैं। लिहाजा व्यवसाय के इसी क्रम में साउंड सिस्टम व्यवसायियों का व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसी पर व्यवसायी संघ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और शासन की मंशा के अनुरूप COVID-19 गाइडलाइन के अनुरूप सोशल डिस्टेंस के आधार पर व्यवसाय शुरू करने से संबंधित मंजूरी देने की बात रखी। इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया और आवश्यक पहल की मांग की गई है। हमारा चालू हो, सामने त्यौहार आ रहे हैं, 11 खोपड़ी आ रही है, सीजन चालू हो रहे हैं ब्याह शादी के, तो परमिशन मिले। केंद्र सरकार की भी मंशा है कि इनको काम करने के लिए आगे जो है काम हो हमारे, इसलिए हमारी मांग करने के लिए जो है आवेदन दिया है साहब को हमने। यहाँ पहले भी आए थे आप? पहले भी आवेदन दिया था 2 महीने पहले। क्या परमिशन नहीं मिली? परमिशन अभी मिली नहीं है। क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला था कि अभी तो आवेदन जल्दी जाँच होगी, देखेंगे जो भी होगा। कोरोना महामारी के कारण जो विगत 8 वर्षों से हम लोगों का व्यवसाय बंद पड़ा है और जिसके कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। कर्मचारियों को पगार देना और गोडाउन का खर्चा, बैंकों के विभिन्न लोन, इन सब के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी प्रकार के व्यवसाय चालू हो चुके हैं लेकिन हमारे व्यवसाय को अभी चालू करने की अनुमति नहीं मिल सकी है। पूर्ण रूप से कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, कम से कम 300 लोगों की अनुमति, हाल में क्षमता के अनुसार 50% अनुमति और खुले मैदान में मैदान की क्षमता के अनुसार कार्य करने की हमको भी अनुमति प्राप्त हो, इसलिए आज हम लोग पूरे इवेंट इंडस्ट्री के साथ में यहाँ कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि हम लोगों को भी कार्य करने की अनुमति जल्दी से जल्दी मिले। खरगोन जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने मोरटक्का पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। राहगीरों की मदद से उसकी जान बचाई जा सकी। इस संबंध में चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। चौकी प्रभारी अंजू शर्मा का बताना है कि इंदौर इच्छापुर हाईवे के नर्मदा पुल पर यह घटना हुई।
युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। मैं ठिबगांव का रहने वाला हूँ, खरगोन जिले का रहने वाला हूँ। मेरे को है ना ये सास ससुर वालों का टेंशन है, मेरी औरत के इन लोगों ने रोक रखा है। यहाँ पुलिस वाले हों मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं जीना चाह रहा हूँ। नर्मदा मोटका पुल पर एक व्यक्ति नशे शराब में पुल से नीचे कूदा और कूदने वाले व्यक्ति का नाम राजेश। उधर राजस्थान के उपखंड बाली के पंचायत समिति चुनाव को संबोधित करते हुए बाली विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी रतन जनवा पंचायत समिति वार्ड संख्या 4 में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा मेघवाल के प्रसार में आज सिंदरैली गांव में। उधर राजस्थान के उपखंड बाली में पंचायत समिति चुनाव को लेकर अभियान तेज है।